अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे मेरा नाश्ता चल रहा है। ये हम फ्रोज़न आलू के पराठे जो लाए थे उसको मैंने देसी घी में फ्राई किया है और बहुत मज़े की लग रही है, क्रिस्पी सी, और साथ में चाय और क्या। इतने दिन बाद व्लॉग बनाती हूँ तो समझ नहीं आ रही कुछ क्या बोलूँ। तो अभी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है जिसमें मैंने बोला है कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाली है, तो अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा ये दोबारा प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी लगाती हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ या कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड पोस्ट लगाती हूँ, सबको पड़ जाती है दोबारा प्रेगनेंट है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो एजल बहुत छोटी है। तो जो जल्दी लाइक कंसीव करना चाहते हैं इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट तो अभी मेरा नाश्ता चल रहा है। ये पहले बहुत मज़े के आते थे ये वाली अशोका के पराठे, अब थोड़े से चेंज हो गए हैं, अब ज़्यादा मज़े के नहीं लगते। तो अब बात ये है कि मैंने घर साफ़ करना है। उस दिन मैंने किया था, ये पूरा साफ़ किया था, नीचे भी सारा साफ़ किया था, दोबारा गंदा हो गया, कपड़े मैंने वॉश किए थे। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल हस्बैंड के लिए गिफ्ट लिया था, अब वो अपने लिए कुछ नहीं लेते, तो मैं कल गई थी मॉल अकेले, एक हस्बैंड ने ड्रॉप कर दिया था, तो मैंने फिर उनके लिए सरप्राइज़ ये लिया है। ये स्वेट शर्ट है बहुत मज़े की, और साथ में कार्गो पैंट्स है, यहाँ पे पॉकेट से ऊपर ये सेंटर पॉइंट स्प्लैश सिली है। और इस स्वेट शर्ट की प्राइस थी 79 dirhams, और जो ये कार्गो पैंट्स है इसकी प्राइस थी 119 dirhams। एक्सपेंसिव थे काफ़ी, बट मैंने कहा यार उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है, लाइक कार्गो पैंट्स और ये स्वेट शर्ट, बट वो नहीं लेते ना ही महंगे हैं ये वो, मैंने कहा बैठे रहे, तो मैंने फिर उनके लिए ले लिया। वो माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे थे इसमें, और काफ़ी अच्छा लगे उनको। और ये जो मेरे हाथ पे निशान है, ये हेज़ल मुझे मारती रहती है, उसके नेल्स बड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो इसीलिए थोड़ा। अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आगे की रूटीन शेयर करती हूँ, ठीक है? तो नाश्ता मेरा हो गया, अब यहाँ पे मैं मोटा चावल साफ़ कर रही हूँ और साथ ये वाली दाल, काली दाल। तो आज रात डिनर में यही बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि शायद बाहर चली जाएँ तो डिनर पहले से बना हुआ हो तो ठीक है। सॉरी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया है, शायद मंथ होने वाला है। अब मैं नेक्स्ट मंथ जाऊँगी इंशाल्लाह डॉक्टर फातिमा को ड्रेस देने, जो मैंने लिया था उनके लिए। सो वो फिर कहेंगी तुम्हारी अभी तक तबीयत ख़राब है, क्या करूँ। तो चलिए इसको मैं साफ करती हूँ ज़रा डिटेल से, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत पीकी है, वो जब उसके मुंह में ऐसे कोई चीज़ आ जाती है तो वो खाना छोड़ देते हैं। सो इसको साफ़ करती हूँ, इसको साफ़ करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद इसको पकाऊंगी, क्योंकि हेज़ल सो रही है और कुकर की सीटी से वो डर जाती है, तो अभी तो कुकर में ही बना नहीं सकती, कुकर में ही बनाऊँगी, तो वो उठ जाए तो उसके बाद। मेरे फिंगर्स देखे, पता नहीं यार यूई में क्या हो जाता है, पाकिस्तान में ठीक हो जाती है, जबकि इस बार डिश वॉशर भी मैं पाकिस्तान से लाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था यहाँ पे डिश वॉशर से आपके हाथ ऐसे हो रहे हैं, तो फिर भी वही हाल है। तो चलिए इसको मैं साफ़ करती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो अभी मैं किचन में आकर खाना बनाने लगी हूँ, तो इस दाल को पहले मैं थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी, उसके बाद वो मोटा चावल इसमें डाल दूंगी, और ये तैयार। इसको मैं बंद करके अब इसको 5-6 सीटी आने तक पकाऊंगी, फिर मैं इसमें चावल डालूंगी, ठीक है?
बंद हो गया ये। अब ये नमक हम कर लाए थे, उसको खोल कर इसमें डाल दूंगी, ठीक है। और पहले मैं ये नीज़ो वाला रेड वाला लाती थी आयोडाइज, फिर मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ब्लू वाला लें, तो इस बार मैंने ब्लू वाला लिया है। तो इसको मैं इसमें रिफिल करती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हाँ दे 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 दे। अच्छा जी, तो हाँ यार, मुझे उस दिन एक मैसेज आया था किसी का कि आप चले छोड़े ना, रिलेटिव से फिर खफा हो जाते हैं, तो बाढ़ में ना जाए मतलब छोड़िए अभी। तो मैं अभी मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आए हैं, तो उनको भूख लग रही है, शायद लंच नहीं किया उन्होंने, तो अभी मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ और साथ में शामी कबाब एक ही बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेट टाइम है, अभी 7:30 हो रहे हैं, तो मेरी सांस फूल रही है आज कल। तो एक रोटी बनाती हूँ, एक ही शामी कबाब, और फिर जाना है बाहर। बाहर क्या करने जाना है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। ये मेरे हाथ इतने काले नहीं है वैसे, ये स्लाइटिंग में लगते हैं। ओह, तो रोटी बनाते हैं, कबाब बनाती हूँ जल्दी से क्योंकि काफ़ी लेट है। और हाँ, ये मेरा खाना बन गया था, मज़े की स्मेल आ रही है, और इसके लिए दही भी लेना है, इसको मेरे हस्बैंड दही के साथ खाते हैं। तो चले जल्दी से बनाती हूँ, चाय भी बनानी है, फिर आपसे मिलती हूँ। हाय, तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ लूलू जाने के लिए, और मैंने स्वेटर पहनी है लॉन्ग, साथ में जीन्स। तो चले निकलते हैं, मेरा मास्क ये है, तो चले निकलते हैं। ये बॉटल उठाओ पानी की, ये वाली, हाँ पानी भी लाना है। तो चले जाते हैं बाहर, आपसे मिलती हूँ कि क्या काम है हमारा। हम ऊपर आ गए और आए हैं बेबी कैरियर लेने इस तरह का, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ट्रैवल करना है अकेले में, तो इसीलिए ये हो तो हैंडी, एक तो पैरा हैंडी रहता है, बट मुझे डबल साइडेड का चाहिए, फ्रंट का भी और बैक का भी। देखती हूँ जो पसंद आ गया फिर मैं दिखा दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, तो आज दूसरा दिन है और मैं बार बार सलाम करती हूँ, इससे भी लोगों को मसला है, बार बार सलाम करती हैं, तो मैं क्या करूँ। तो कल हम काफ़ी लेट आ गए थे, और फिर एजल को भी नींद आ रही थी, उसको भूख भी लग रही थी, तो मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं की। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बेबी कैरियर नहीं लिया क्योंकि वो था, एजल को अच्छा नहीं लग रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने फिर स्ट्रॉलर लिया है इस टाइप का, ये इतना फोल्ड हो जाता है, 6 to 36 मंथ्स सॉफ्ट टू टच, स्विवल वीव्स, कॉम्पैक्ट फोल्ड। ये देखिए जहाज़ का एयरप्लेन कंपार्टमेंट अवेलेबल, और आप ऐसे हैंग भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये खोल कर दिखाती हूँ कि किस तरह का है। तो इसका मुझे काफ़ी मसला होगा एयरपोर्ट में, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में इसको फोल्ड करना पड़ेगा, फिर दोबारा से अनफोल्ड करना पड़ेगा। अब लेट्स सी क्या होता है, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी। मुझे सीजर चाहिए, नाइफ सी कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं पहले अनबॉक्स करती हूँ, फिर जल्दी से दिखा देती हूँ, क्योंकि व्लॉग आई थिंक लंबा हो गया है। तो ये स्ट्रॉलर है मामा लव का, और ये ऐसा दिखता है, और यहाँ से ये फोल्ड हो जाता है बहुत इजीली, यहाँ से और यहाँ से। तो बस चले, मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।